एवरीवन, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों, दो दिन से कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहा है क्यों? मेरी आईडी जो है ना हैंग कर ली थी किसी ने। हैंग का मतलब होता है कि भाई अगर आईडी पासवर्ड ज़्यादा मजबूत नहीं रखोगे ना तुम, तो हैंग हो सकता है। ठीक है, पूरा वीडियो बताऊँगा क्या क्या हुआ दो दिन के अंदर मेरे, दो दिन से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। देख रहे हो मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, और यूँ समझ लो माई फर्स्ट न्यू ब्लॉग है, यूँ समझ लो ना कि भाई साहब दो दिन से जो है कोई ब्लॉग यूँ नहीं आया। कि भाई चक्कर क्या है कि दो दिन से ना मेरे फ़ोन में किसी ने हैक मार लिया था। हैक का मतलब है किसी को आईडी पास, मेरा पासवर्ड पता पड़ गया, क्या आया क्या नहीं पता नहीं। अब मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो इसीलिए मैंने अब पासवर्ड चेंज करके ना दूसरा पासवर्ड डाल दिया है, तो आज इसीलिए ब्लॉग आ रहा है ये मेरा। और नहीं समझ लेना भाई साहब, अगर फ्लॉग आप जो है ना पासवर्ड अगर मजबूत नहीं रखोगे ना, और किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना, भाई साहब मेरा बच गया है चैनल कैसे भी करके। ठीक है, चैनल जो है ना कैसे भी करके बच गया है। तो आप जो लोग हैं ना, कभी फेसबुक यूट्यूब है कोई भी है, एक्स वाई जेड किसी चीज़ का पासवर्ड हो, एटीएम कार्ड को किसी का भी हो, लेकिन पासवर्ड जो है ना भाई साहब, पासवर्ड जो है ना मजबूत रखना हमेशा। मजबूत का मतलब है कि भाई साहब मजबूत, इतना मजबूत रखना है कि किसी को पता ना हो। ठीक है, अब समझ लेना दो दिन से मेरा ब्लॉग इसीलिए नहीं आया यार कि मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। अभी भी देख रहे हो टाइम का 9 बज रहे हैं, काम का टाइम मेरा मर चुका है पूरा, समझ रहे हो। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। मेहनत कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि ऐसे यार कोई कैसे कर सकता है, ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि बंदा दिख रहा है कि भाई अब इसका चैनल इतना ग्रो कर रहा है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है, इसके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, और भाई साहब इसका चैनल मोनेटाइज होने वाला है 2-4 महीने में, 5 महीने में, जो भी है। तो यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग यार, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, 8-10 महीने से मेहनत कर रहा हूँ कम से कम। ठीक है, अभी 8-10 महीने तो नहीं, 2-4 महीने और लगेंगे, लेकिन 8-10 महीने की मेहनत नहीं देगी मेरी तुमने हैं? कब से जाके जो है कितनी, कितना संघर्ष किया है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप लोग ऐसे करते हो यार। किसी को देख के जला मत करो, दुखी मत हो, खुश हो जाओ, मेहनत करो। मैं भी तो कर रहा हूँ भाई मेहनत, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ ना, देख रहे हो ना। अभी ये ब्लॉग शूट करूँगा, एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद में फिर मैं ऑटो भी चलाऊँगा। ठीक है, ऑटो तो चलाऊँगा पूरे दिन, और पूरे दिन जो भी शूट होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दो दिन में ब्लॉग आ रहा है इसीलिए आ रहा है कि यार मैं बहुत परेशान हो गया था दो दिन के लिए, मेरा चैनल बिल्कुल हैक हो गया था। वो तो एक मेरा भाई है जानने वाला, यूट्यूबर है, वो पैसे कमा रहा है इस समय, तो उसने उपाय बताया कि भाई दो चरणों में खुल जाता है, यानी कि एक आईडी ना दो जगह खुल जाती है। तो दूसरे बंदे ने मेरी आईडी खोल रखी होगी पासवर्ड डाल के, और मैं भी खोल सकता हूँ, लेकिन क्या करा मैंने, पासवर्ड चेंज कर दिया। पासवर्ड चेंज करने के बाद में उसकी आईडी बंद और मेरी चालू, यानी कि मैंने पासवर्ड चेंज, मालिक तो मैं ही हूँ अपने चैनल का। भाई जो ऑनर होता है ना वो ऑनर ही होता है, और नौकर होता है तो नौकर ही होता है। जिसने हैंग किया था भाई, है तो किसी बंदे का जानने वाला है ही, जो बंदा जानने वाला है ना उसी ने ये काम करा है। क्योंकि मेरे साथ में कुछ बंदे ऐसे हैं कि मैं शेयर कर देता हूँ आईडी पासवर्ड, जो पास में बैठता है रोज काम करने वाला है, तो मैंने उनको शेयर किया होगा, तो शायद लॉगिन करके देखी होगी आईडी, तो मुझे मैसेज भी जीमेल आ गया, मेल आ गया, गूगल से, यूट्यूब से भी आ गया। तो भाई इस तरीके की बात हुई है, मतलब कहने का यह, दो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, दो दिन में अब मेरा पहला ब्लॉग आ रहा है भाई साहब यूट्यूब पर। थोड़ा सपोर्ट करा करो, वीडियो पूरा देखा करो, कमेंट कर दिया करो एक दो अच्छे अच्छे, तो मेरे को थोड़ा तसल्ली मिलेगी। हाँ भाई, मेरी YouTube की फैमिली मेरे वीडियो देख रही है, नहीं देख रही है, क्या है क्या नहीं है, तो कृपया करके यार देख लिया करो मेरी वीडियो। और दूसरी बात ये है कि भाई
आप लोग अगर YouTube Facebook पर काम करना चाहते हो और इसमें कोई मेरी मदद चाहिए तो मैं दूंगा, बता सकता हूँ कि चैनल कैसे बनाना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सोच समझ के बनाना है भाई, इसमें जो है ना मेहनत बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आज चैनल बना दिया, 4 दिन बाद वीडियो डालना है, एक डाल दी फिर 10 दिन बाद डालना, ऐसा नहीं है। डेली ही करना पड़ेगा आपको काम। डेली का मतलब है भाई साहब, यूट्यूब फेसबुक कहता है कि डेली चाहिए मुझे काम, और कम से कम साल भी लग सकती है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 8-10 महीने। जितना अच्छा तुम्हारा वीडियो होगा ना, पब्लिक को अच्छा लगेगा, वीडियो पूरा देखेगा, तो भाई साहब यूँ समझ लो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा, चैनल तुम्हारा ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। और एक दिन आने वाले टाइम में 1,000 सब्सक्राइब भी हो जाएंगे, चैनल तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, और बैंक खाता वगैरह ये सब लगाने पड़ते हैं, और फिर तुम्हारे सिल्वर बटन आता है, गोल्डन आता है, प्ले बटन आता है, ये सब आने लगेंगे, समझ रहे हो, पैसा भी आने लगेगा। जब पैसा आएगा तो दुनिया को पता लग जाता है कि भाई पैसा आ रहा है इसके पास में, ठीक है। देख रहे हो पसीना इतना आ रहा है, और मैं उस काम को छोड़ के, यानी कि ऑटो को छोड़ के ये ब्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ, इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि भाई यूट्यूब के लिए करना ही पड़ता है, समझ रहे हो, यूट्यूब के लिए ये काम करना ही पड़ता है। इसीलिए भाई सब काम बंद करके ना 1 घंटा सुबह शाम दोपहर में कभी भी यूट्यूब को दे दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और यूट्यूब के लिए भी। यूट्यूब कहता है भाई डेली काम करो, ठीक है। अब देखो मैं निकलूँगा यहाँ से ऑटो लेके, अब पूरे दिन कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, पूरे ये ब्लॉग तो मैं अभी डालूंगा, ये वाला तो ठीक है, अभी जो पूरे दिन शूट करूंगा ना वो डालूंगा कल, समझ रहे हो, कल डालूंगा। यानी कि अभी मैं निकल रहा हूँ कि भाई झाड़ी भी निकालनी पड़ती है ना ऑटो की, 400 रुपये की तो झाड़ी हो गई, और 300 रुपये की CNG हो गई 700, और 100-200 हम खा भी जाते हैं भाई, पूरे 1,000 रुपये का खर्चा तो ये, पहले 1,000 रुपये तो ये कमाने पड़ेंगे। उसके बाद में जो है, उसके बाद में 400 बच जाए, 500 बच जाए, 600 बच जाए, 700 बच जाए, भाई फोन फाइनेंस करा रखा है, और घर के भी खर्चे होते हैं और भी खर्चे होते हैं, किसी का लेने देना होता है, समझ रहे हो, और गर्मी में काम तो है नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, समझ रहे हो, काम नहीं है बिल्कुल भी गर्मियों में, क्यों, गर्मियों में बाहर का बंदा जो आता है ना, यूपी बिहार का, उत्तराखंड का, दिल्ली में आता है काम के लिए, तो इस समय नहीं आ रहा है, नोटबंदी भी हो चुकी है, क्या पता इसलिए नहीं आ रहा या फिर गर्मी की वजह से नहीं आ रहा, क्यों, बाहर की जो पब्लिक आती है ना तभी हमारा दिल्ली में काम चलता है भाई, समझ रहे हो। आज तो शनिवार है, शनिवार और संडे सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा कम होता है, तो मैं शनिवार को थोड़ा लेट ही निकलता हूँ, समझ रहे हो, और देख रहे हो पसीना कितना आ रहा है मेरे को, गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है। वीडियो का ब्लॉग, ब्लॉग का बस यही बताना था मेरा, का आज का ब्लॉग यहीं तक का रहेगा, इतना ही रहेगा। आप सतर्क रहें वीडियो पर, अगर यूट्यूब चैनल पर काम करना चाह रहे हो तो सतर्क रहें, आईडी पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, ठीक है, जैसे मैंने किया है गलती तुम ना करना। और YouTube Facebook पर काम करना चाहते हैं ना भाई तो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसका चैनल बनवा दूंगा और चैनल के बारे में पूरी बता दूंगा, किस कैटेगरी का बनाना है। कैटेगरी का मतलब होता है कि ऐसा होता है कि आपका काम घर में है तो घर का भी ब्लॉग बना सकते हो आप, खाने से लेके पीने से लेके, और रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, झाड़ू पोछा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, रील बना दो छोटी छोटी गानों पे, और अपना ब्लॉग बना लो घर में। मेरा तो भाई ऑटो का काम है तो मैं तो ब्लॉगिंग कर सकता हूँ ना, ब्लॉगिंग की कैटेगरी है, इसमें ना कैटेगरी चुननी पड़ती है, यूट्यूब कहता है कि भाई किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो आप लोग, समझ रहे हो, अगर उस कैटेगरी से आप खिलाफ गए ना तो आपका चैनल बंद कर देगा यूट्यूब, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं रखता हूँ क्योंकि काम पर जाना है भाई इसीलिए, और वीडियो पूरा देखा करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, पता है क्या, उससे जो ना बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ भाई मेरी वीडियो बंदा वो देख रहा है पूरा, ठीक है, बाय।